खालिस्तान मामले में भारत कनाडा में तनातनी खत्म होते नहीं दिख रही है। आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में भारत सरकार ने कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों और NSA के अन्य अधिकारियों को हर संभव मदद का एश्योरेंस दिया था, लेकिन जब भारत द्वारा अपने अधिकारियों को कनाडा भेजने का डिसीजन लिया गया तो तब कनाडा ने भारतीय एजेंट को वीजा देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि दरअसल भारत सरकार यह पता करने के लिए एक टीम को कनाडा भेजना चाह रही थी कि निज्जर की हत्या पर भारत के खिलाफ कैनेडियन सिटीजंस की क्या राय है। भारत सरकार का कहना है कि कनाडा को हमारी टीमों को आने की परमिशन देनी चाहिए और दिखाना चाहिए कि उनके पास हमारे खिलाफ क्या सबूत है, लेकिन वे हमारी कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद वीजा जारी नहीं किया। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और उनके कैनेडियन कोऑर्डिनेट ने आतंकवाद मुद्दे पर चर्चा की। डोवाल ने कनाडा में बैठे उपद्रवियों और टेररिस्ट के बारे में स्पष्ट जानकारी भी दी है। डोवाल ने अपने काउंटर पार्ट को भारत की कई एजेंसियों और स्टेट्स के पुलिस के वांटेड लिस्ट और LR की भी लिस्ट दी थी। NSA डोभाल ने बताया कि भारत ने समय समय पर कनाडा के साथ सीक्रेट इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन शेयर की है और वांटेड्स के लोकेशन की जानकारी भी उपलब्ध कराई। उधर कनाडा के NSA ने भारत पर आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि NSA डोभाल ने कहा कि अगर निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है तो FIR या कोई क्लियर एविडेंस जारी करें। डोभाल ने कहा कि अगर हमारे तरफ से कोई दोषी निकला तो कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कैनेडियन गवर्नमेंट कभी कोई सबूत पेश नहीं कर सके। भारत ने कहा कि कैनेडियन गवर्नमेंट ये सब सिर्फ फेक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।